और बात करें अगर आपका सफलता का जर्नी, तो आपका जर्नी क्या रहा दीदी? हम जानते हैं कि आपका लाइफ बहुत ही स्ट्रगल में बीता है, और आप यहाँ हर कोई कोई भी अगर कोई मुकाम तक पहुँचता है तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपका क्या जर्नी रहा? जैसे कि पहली बात तो मैं बताऊँ, थोड़ा फोन नीचे करो। जैसे पहले मैं बताऊं, जब मैं ये जीएस ज्ञान बिंदु गई थी तो मेरे सर रोशन आनंद सर जो हैं वो बोले थे कि 1,00,000+ सब्सक्राइबर होना इतने कम दिन में शिक्षा को लेकर यार अपने आप में बड़ी बात है। तो तब मुझे पता लगा था जो मैं काम कर रही हूँ ना वो छोटी नहीं हो सकती है। फिर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं ट्रेनिंग में थी, मेरी जो फिजिकल थी ना हमेशा वीक थी, मैं फिजिकल पास कर गई, भगवान का एक गॉड गिफ्टेड होते हैं। 4.38 लगा था मुझे, आज भी मुझे याद है, 4.38 में मुझे 30 मार्क्स मिले थे, फिजिकल पे मेरिट बना था। तो जब मैं ट्रेनिंग में गई थी ना तो मेरा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था। अब मैं क्या ही बताऊँ, जो मेरा फ्रेंड था वो अपने मन से कहीं और चला गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मुझे लगा दूसरे लड़कों से बात करना अच्छा नहीं रहेगा, अपने काम में बिजी हो जाना है। मेरी पप्पी, बिहार पुलिस प्रिया पप्पी के नाम से चैनल है, पप्पी से भी मेरा झगड़ा हो गया था। तो मैं ट्रेनिंग में ना खुद को अकेला फील करती थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं चैनल खोला जाए और छोटा छोटा वीडियो अपडेट करती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी झेलना पड़ा। सर लोग भी मजाक बनाते, बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे, यहाँ तक कि मेरे अपने रिलेटिव होते, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ मेरे, लेकिन फैमिली के अलावा अगर ये अंकल लोग हैं, लेकिन जो मेरा रिलेटिव होते ना ब्लड वाला, वो तो हमेशा मजाक ही बनाए हंसे। जब पहली बार जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए सोची थी तो मेरे अपने जो होते, मेरी मम्मी का रिश्तेदार, वो खुद बोले कि इस सबसे क्या होगा, सरकारी नौकरी सबसे थोड़ी ना निकलेगा। लेकिन मेरे ये अंकल है ना, भले आज हम गद्दार थोड़ा सा निकले हैं क्योंकि कोई सेवा सत्कार नहीं होता है मेरे तरफ से, लेकिन ये हमारे पीछ पे हमेशा रहे, हमेशा। मैं ऐसा नहीं कि आज मैं इनके सामने बोल रही हूँ, हमेशा मेरे अंदर मतलब कॉपरेट करते रहे हैं कि तुमसे होगा और तुम ही करोगी। तो क्या हुआ, मैंने चैनल ओपन किया, चैनल पे अच्छा खासा रिस्पांस मिला, चैनल को लेके भी मुझे धोखा मिला, बहुत धोखा मिला, लेकिन मैं चोट खाते गई, आगे बढ़ते गई। ऐसा नहीं अगर आपको एक लड़की या लड़का धोखा देता है तो दूसरी लड़की के खोज में लग जाओ, तलाश में लग जाओ, नहीं, क्योंकि लड़की लड़का खोजना आम बात है। शादी किसकी नहीं होती है आप बताना ना, शादी सबकी होती है, इसीलिए शादी एक जिम्मेदारी वाली चीज़ होती है जो मम्मी पापा का हक होता है। भले लोग लव मैरिज कर लेते हैं, भले लोग भाग जाते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए तो मैंने क्या किया ना, चैनल ओपन किया, चैनल पे अच्छा खासा रिस्पांस मिलने लगा। मैं इतनी इनोसेंट हूँ कि मुझे चैनल का पासवर्ड भी तक नहीं पता, लेकिन कहते ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका दिल साफ होता है उसको आगे मिलते जाता है, बढ़ते रहो कॉपरेट करने वाला मिल जाता है। तो इसी तरह रहा, और कॉन्स्टेबल का बात रहा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि दरोगा अलग होता है, कॉन्स्टेबल अलग होता है। तो बस मेरी मम्मी कहती थी, जैसे इलेक्शन चल रही है अभी, तो इलेक्शन में स्कूल में पुलिस लोग आती है, तो मम्मी देखी, और मेरे गांव में स्कूल थे तो वहीं पुलिस लोग स्टे की थी। मम्मी बोली थी, मैं उस टाइम मोटी थी, तो मम्मी बोली थी मैं अपनी बेटी को पुलिस बनाऊंगी। मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा इच्छा था, पापा मम्मी फैमिली के जो भी है, पापा, मैं एकदम गांव से थी, एकदम देहात से थी, तो मैं समझ सकती हूँ लड़की को पढ़ना कितना मतलब दिक्कत होता। मैं जब नवादा गई थी इलेक्शन ड्यूटी में तो लड़की लोग बोलती थी कि बहुत दिक्कत होता है दी, हम लोग को पढ़ने के लिए बाहर भी नहीं भेजा जाता है। मैंने कहा जो तुम आज बता रही हो ना वो मैंने फील किया, मैंने महसूस किया, लेकिन तुम्हारा इरादा में दम है तो तुमको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। भले आप लोग बोलोगे तुम एक कांस्टेबल हो, लेकिन कांस्टेबल भी बन के आप लोग दिखा देना, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है, और क्या। ठीक है।